नमस्कार, मैं प्रताप सिंह आजाद। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम। सर्व समाज सेवा समिति आगरा के तत्वाधान में द्वितीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन पुष्पा फार्म हाउस आगरा दयालबाग में किया गया। सामूहिक विवाह समारोह का विविध शुभारंभ कार्यक्रम उद्घाटन श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल महापौर नवीन जैन, मन कामेश्वर मंदिर के महान श्री योगेशपुरी आदि ने गणेश भगवान पर माला अर्पण व दीप प्रज्वलित किया। सामूहिक विवाह समारोह में चार जोड़ों ने अग्नि फेरे लिए। आप देख रहे हैं संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। ये कार्यक्रम चल रहा है। अपने इस कार्यक्रम में अपने अध्यक्ष आवाज खोलो कांग्रेस की तरह जब सभी दिशाएं खुली होती हैं तभी ये मांगलिक काम होता है। हमारे इस पुनीत कार्यक्रम में जोड़ने का काम किया है और ये बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। और हमारे यहाँ तो ऐसी मान्यता है, महाराज जी खड़े हैं, योगेश्वरी जी महाराज, इनका आर्थिक अभिनंदन स्वागत है, अभिनंदन स्वागत करती है और उनसे अनुरोध करती है स्टेज पे आने की कृपा। अरे भाभी जी थोड़ा जल्दी करें प्लीज, कांती समय का अभाव है थोड़ा सा। सामूहिक कार्यक्रमों में लगभग लोग लग रहे वह भी ईश्वर का कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बना होगा जिसके कारण से हम लोग सामूहिक रूप से उठना बैठना नहीं हो पा रहा है। मानव जिंदगी की रफ्तार थम गई थी, अब मेरा नाम भरत शर्मा है और दयालबाग मंडल का भारतीय जनता पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में चल रहा है विवाह समारोह का कार्यक्रम है, वो किस समाज से संबंधित है और कब से चला रहा है? देखिए, आज सर्व समाज सेवा समिति के द्वारा द्वितीय वैवाहिक समारोह है। इससे पहले भी ये समिति दिवाकर समाज के बैनर तले लगभग 11 से 12 इस तरह के विवाह समारोह करवा चुकी है। ये इसका दूसरा वैवाहिक समारोह है। इसमें चार जोड़े आज मुख्य रूप से इनकी शादी हो रही है और वो नव गठबंधन में बन रहे हैं। अच्छा, जो विवाह समारोह की प्रक्रिया है, पहले से इसके लिए लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है या अपने आप ही लोग? देखिए, समिति पूरी छानबीन करती है, लड़की घर जाती है, लड़के घर जाते हैं। कल को किसी भी प्रकार की कोई भी अगर कुछ गलती निकले या किसी प्रकार की कमी निकले तो उसकी समिति की जिम्मेदारी होती है। इसलिए समिति पूरी छानबीन करने के बाद ही जिस घर की बेटी होती है उसका हाथ तभी उस बेटे के हाथ में देती है, तो उससे पहले कभी देती नहीं है। अच्छा जी, यहाँ का जो कार्यक्रम है, ये विवाह कार्यक्रम कराने में जो भी खर्चा होता है वो सब सारा समिति वहन करती है? एक बार जब कार्यक्रम शुरू होता है तो उसके बाद हम सब लोग मिलके जितना भी कोई सहयोग कर सकता है, समाज में बड़े बड़े मामा साहब बैठे हुए हैं, वो लोग आगे चलकर एक उचित प्लेटफॉर्म की वो चिंता करते हैं। सही प्लेटफॉर्म अगर उन्हें मिल रहा है तो वो दान दक्षिणा देने में किसी को कोई गुरेज नहीं होता, लेकिन एक उचित प्लेटफॉर्म मिले। अच्छा, भविष्य में ये कार्यक्रम इस तरीके से आगे भी और भव्य बनाया जाएगा या? नहीं नहीं बिल्कुल, हर कार्यक्रम भव्य बनाया जाता है। पहले दिवाकर समाज का जो समारोह था उसमें लगभग 15 जोड़ों की शादी हुई थी। इस बार सर्व समाज में थोड़ा सा गर्मी है, थोड़ा कोरोना है, इसके कारण थोड़े से जोड़े आज कम है, लेकिन आगे सोचा जाएगा कि इसका स्वरूप बहुत बृहद हो। फिर भी बहुत बड़ी उपलब्धता है आपके लिए कि इतनी गर्मी में आप इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, भविष्य में और समाज के लिए और क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, समाज में दहेज प्रथा एक बेहद बहुत बड़ी कुरूति है, उसी को संदेश देने के लिए ये कुरूति खत्म, उसी के लिए ये सेवा और ये सर्व समाज सेवा समिति जो अपना वैवाहिक समारोह करवा रही है, आगे भी हमारी जिम्मेदारी भी रहेगी और हम चाहेंगे भी कि कार्यक्रम बड़े से बड़ा हो। धन्यवाद।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।